नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। पहलवान सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। वही सागर धनखड़ जिनकी हत्या पीट पीट कर करने के आरोप में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार इन दिनों पुलिस कस्टडी में है। इंडिया टुडे को मिली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया गया है कि सागर के पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। कई जख्म इतने गहरे थे कि शरीर के अंदर हड्डियों तक पहुंच गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सागर की मौत की वजह सिर पर किसी हथियार से वार को बताया गया है। इंडिया टुडे के मुताबिक सागर धनखड़ के शरीर पर सिर से लेकर घुटनों तक चोट के निशान पाए गए। सागर की छाती और पीठ पर गहरे निशान थे। कई जगह हड्डियां तक चोटिल हो गई थी। 1 से 4 सेंटीमीटर तक के गहरे जख्म थे। शरीर के कई हिस्सों पर नील पड़ी हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि सागर के सिर पर किसी गैर धारदार हथियार से वार किया गया था। ये चोट सिर के बाएं तरफ लगी थी और इतनी गहरी थी कि सागर की जान चली गई। इस रिपोर्ट में ये साफ है कि सागर की मौत से पहले उनके साथ मारपीट की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर पाए गए चोट के सभी निशान मौत के पहले के हैं। सागर के विसरा और ब्लड के सैंपल को सील बंद कर दिया गया है। उन्हें आगे की जांच के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि सागर धनखड़ को 4 मई की रात अगवा किया गया था। रात करीब 11 बजे दिल्ली के मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में कुछ लोग एक फ्लैट पर पहुंचे थे। इन लोगों के हाथ में डंडे हॉकी स्टिक थे। पुलिस का दावा है कि इन लोगों में पहलवान सुशील कुमार भी शामिल थे। इन लोगों पर सागर और उसके साथियों को गन पॉइंट पर अगवा करने का आरोप है। होंडा सिटी कार में बिठाकर छत्रसाल स्टेडियम को ले जाया गया। आरोप है कि स्टेडियम में पहुंचकर सुशील कुमार और उसके साथियों ने सागर और उनके साथ लाए गए युवकों को जमकर पीटा। सभी पूरी तरह से घायल हो गए। 5 मई की आधी रात 2:52 पर सागर को पहले पास के अस्पताल BJRM ले जाया गया। उसके बाद ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां सुबह 7:15 इलाज के दौरान सागर की मौत हो गई। इस मामले में सुशील कुमार को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। एक खबर यह भी है कि सागर की हत्या के केस में गिरफ्तारी के बाद उत्तर रेलवे ने सुशील कुमार को सस्पेंड कर दिया है। सुशील उत्तर रेलवे में सीनियर कमर्शियल मैनेजर के पद पर तैनात थे। सुशील को दिल्ली पुलिस ने 23 मई को गिरफ्तार किया था। बताया गया कि इसी दिन से सुशील को अगले आदेश तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके पीछे रेलवे कर्मचारियों के लिए डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 की धारा 5/2 का हवाला दिया गया है। सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। माना जा रहा है कि रेलवे की नौकरी के बाद इन पदों से भी उनकी छुट्टी हो सकती है। मामले में जो अपडेट्स अब तक आए वो हमने आपको बताए। आगे जो अपडेट्स आते रहेंगे वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।